नमस्कार, मैं राहुल शर्मा आपके YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज का क्लास मेरा लिमिट का नेक्स्ट पोर्शन है। मैंने आपसे हर दिन की क्लास में एक नए कंटेंट के साथ आया हूं, बस इसके अनदर एक लेक्चर बचा हुआ है, इसके बाद अनलिमिट इज ओवर। दूसरा, मेरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आएगा। लेट फोकस ऑन द लिमिट थ्योरी। पहले आपके सामने कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, आप उन्हें एक बार देख लें। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन ए एक्स अपॉन कहीं भी एक्स आता है तो वो आपका ए हो जाता है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, टेन ए एक्स अपॉन एक्स आता है तो आपका ए हो जाता है, यानी कि एक्स के साथ कोई भी नंबर आता है वो आपका बाहर आ जाता है। साइन एक्स अपॉन कहीं भी एक्स आता है तो आपका वन हो जाता है। टेन एक्स अपॉन एक्स कहीं भी आता है तो आपका वन हो जाता है। इतनी सी बात आप लोगों को आनी चाहिए। दूसरी बात, कहीं ये भी अगर आपके सामने इंप्लीमेंट हो रहा हो एक्स अपॉन साइन एक्स तो भी आपका वो वन होता है, और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कहीं आता हो एक्स अपॉन टेन एक्स तो भी आपका वन होता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। पहला सवाल यह है आपके सामने, आपके बोर्ड पर, लेट फोकस। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, 10x अपॉन साइन 2x, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, मगर शुरुआत करनी थी तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, और इतना सरल है कि पेपर एनडीए तक में पूछा गया है। आपके सामने फ्लैश हो रहा है क्वेश्चन, यू कैन चेक। लिमिट x टेंस टू जीरो, अभी हमें तुरंत जाना होगा, साइन ए एक्स अपॉन एक्स कहीं भी आता है तो क्या आता है ए। अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर एक काम करूं, x का डिवाइड नीचे मार दूं और x का डिवाइड ऊपर, आपको पता है इस स्टेप का क्या मतलब है, वो है आपका वन। लिमिट x टेंस टू जीरो, 10x अपॉन x आपके सामने दिखाई दे रहा है, वो आपका ऑलरेडी कितना है, वन है, और ये आपका निकल के आ जाएगा टू, एंड क्वेश्चन इज ओवर, आंसर आ जाएगा आपका 1/2, फिनिश। कितना बढ़िया सवाल है, ऐसे तमाम क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं, ऑलरेडी आया क्वेश्चन है। चलिए मैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने बना करके दिए हैं, इसी टाइप के हैं, सिमिलर हैं, यू कैन चेक। अभी क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों ही सवाल आपको यहां पर कॉन्सेंट्रेट करने हैं, लिसन टू मी। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या करना होगा, ये तो मैं क्वेश्चन को एक बार नोट कर लिया हूं नीचे, एक्स का डिवाइड नीचे, एक्स का डिवाइड ऊपर, और आंसर आ जाएगा बेटा 3/5, और यहां से कट करूंगा तो x का डिवाइड नीचे, x का डिवाइड ऊपर, तो आंसर आ जाएगा बेटा 4, क्वेश्चन इज ओवर। ये छोटे छोटे सवाल आपके सामने क्लियर हो गए। अगला सवाल है आपके सामने, आपके बोर्ड पर, लेट कॉन्सेंट्रेट। लिमिट x टेंस टू जीरो, 1 cos x / x2। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है, 1 cos x कहीं भी आता है तो क्या लगा सकते हैं आप, 2 sin² x/2, राइट। अगर ये मैंने इंप्लीमेंट किया तो ये बन के आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, 1 cos x के जगह पर आ जाएगा 2 sin² x/2 upon x². सभी भाइयों को मैथमेटिकली एक चीज के बारे में पता है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 2 sin x / 2 upon x का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर आपको पता है कि साइन ए एक्स अपॉन एक्स आ रहा हो और एक्स के साथ में अगर ए लिखा है तो हमारा आंसर क्या आ जाता है बेटा, ए। अब एक्स अपॉन टू यहां पर आ रही है 1/2, तो ये आपका 2 तो बाहर है, ये अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो आंसर 1/2 जरूर आता, अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो 1/2 आता। अब क्योंकि स्क्वायर लगा है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा और आंसर आ जाएगा बेटा 1/2, क्वेश्चन इज ओवर। यानी कि आपने इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री को ओपन कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री को ओपन करने के बाद आपका सवाल यहां पर खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं है। अब इस टाइप के सवाल को ब्रेक करने के लिए मैं एक अप्रोच आपको और बताना चाहता हूं। बात यहां पर यह नहीं है कि आप यह इंप्लीमेंट करेंगे, मैं यहां पर आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं, लेट कॉन्सेंट्रेट। लिमिट x टेंस टू जीरो, 1 cos ax / x². आप लोगों को अगर मैं कुछ बताने की कोशिश करूं तो यहां ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसके आगे वाले स्टेप अवॉइड कर दूं
तो cos x का एक्सपेंशन अगर आप लोग नोटिस कर रहे हैं तो देखिएगा, cos x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस का x स्क्वायर बाई 2, फैक्टोरियल को भूल जाइए, cos x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस का x स्क्वायर अपॉन 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होता है। अगर अपना विवेक इस्तेमाल करते हैं आप तो x स्क्वायर अपॉन 2 को मैं इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा 1 माइनस का cos x। प्लीज फोकस ऑन द क्वेश्चन, मैंने दो स्टेप पकड़ लिए केवल, जहां पर 1 माइनस का cos x आ रहा है वहां पर x स्क्वायर अपॉन 2, जहां पर 1 माइनस का cos x आ रहा है वहां पर x स्क्वायर अपॉन 2। अब मैं बात करता हूं उस क्वेश्चन के ऊपर, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर आपका यहां पर आया था बेटा 1 माइनस का cos x अपॉन कितना x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये आया था आपका 1 माइनस का cos x अपॉन x स्क्वायर, तो कॉमन सेंस की बात है 1 माइनस cos x के जगह पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, आंसर आएगा 1 बाई 2, क्वेश्चन इज ओवर। लिमिट खोलने की नीड नहीं पड़ी इसमें आपको, अगर आपके पास ऐसी कहानी बनती है तो बिल्कुल डिक्टो अप्रोच, बिल्कुल डिक्टो अप्रोच, डिक्टो थीम आपको यहां से अप्लाई करनी है, और वो थीम क्या अप्लाई होगी यहां से, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 माइनस का कॉस ए एक्स, देखिए ध्यान से 1 माइनस का कॉस एक्स आया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आया, अगर ये 1 माइनस का कॉस वाई आएगा तो कितना आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, और अगर 1 माइनस का कॉस ए एक्स आएगा तो 100% ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर बाई 2। ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस एक्स कहीं भी आया था, ध्यान दो प्लीज, कॉस एक्स बराबर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को मैं यहां ले आया तो 1 माइनस कॉस एक्स बन के आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी कि यहां पर अगर 1 माइनस का कॉस एक्स है तो यहां पर एक्स स्क्वायर बाई 2 है, यहां पर 1 माइनस का कॉस वाई है तो वाई स्क्वायर बाई 2 है, और अगर यहां पर 1 माइनस का कॉस ए एक्स है तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 है, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2। बात समझ में आ गई होगी क्लियर। अब मैं इसे मिटाकर कि किसी भी सवाल के अंदर ये कंटेन बनेगा ए स्क्वायर बाई 2 रिजल्ट रहेगा। ध्यान दीजिए यहां 1 पावर है और यहां 2 पावर है, याद रहेगा, अगर भूल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बताया है लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस ए एक्स आ रही है तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर कट जाएगा, आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2। ये पावर है कंसेप्ट की एक्सपेंशन की। अब इस पर बेस्ड में कई सारे एग्जांपल्स आपको लगा देता हूं। फॉर एग्जांपल लिमिट एक्स टेंस टू 0 कहीं पर आ रही है 1 माइनस का कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ध्यान देना यहां 1 पावर है तो यहां 2 पावर है, अगर मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस का कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस का कॉस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान ये रखना है यहां 1 पावर है तो यहां 2 पावर है, यहां 1 पावर है तो यहां 2 पावर है, जब 1 माइनस का कॉस ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आया था तो ए स्क्वायर अपॉन 2 आंसर आया था, अब यहां पर कितनी आ रही बेटा 1 तो आंसर कितना आएगा 1 अपॉन 2, यहां पर कितनी आ रही है 2 तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और आधा करेंगे कितना आएगा 2, मैं यहां की बात करूंगा कितना आंसर आएगा 9 बाई 2, क्वेश्चन इज ओवर। और भी कोई क्वेश्चन हो सकता है तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस का कॉस 5x अपॉन एक्स स्क्वायर तो आंसर आएगा 25/2, टाई बन पकड़ में आ गया होगा, 1 माइनस का कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आए यानी कि यहां 1 पावर है तो यहां 2 पावर आए तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है ए स्क्वायर बाई 2 एंड क्वेश्चन इज ओवर। आपके सामने एक बार फिर आपके बोर्ड पर लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस का कॉस ए एक्स अपॉन 1 माइनस का कॉस बी एक्स, अगर आप इस तरह के सवालों को देख रहे हैं तो कुछ चीज पर नजर करिए, ऐसे सवाल में फंसने की पूरी पूरी गुंजाइश है, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूं। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कॉस एक्स बराबर फॉर्मूला था 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यस और नो, अगर इस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को मैं इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का कॉस एक्स, अब देखिएगा 1 माइनस का कॉस एक्स कहीं भी आया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आया, यहां पर एक्स आया तो यहां एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आया, यस और नो गाइस, यस, अगर यहां 1 माइनस का कॉस ए एक्स आता है
तो ये आएगा बेटा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू और ये आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू। कॉमन सेंस की बात है, वन माइनस कॉस एक्स आया तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू आया, वन माइनस का कॉस वाई आया तो वाई स्क्वायर अपॉन टू आया, वन माइनस का कॉस जेड आया तो जेड स्क्वायर अपॉन टू आया, और वन माइनस का कॉस ए एक्स आया तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू आया, और ये नंबर कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। लेट लर्न द फॉर्मूला प्लीज। फॉर्मूला याद करिए, भूल गए तो का ट्रीटमेंट बता दिया है, याद रहेगा तो का ट्रीटमेंट बता दिया है, ढेर सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हैं इस पर बेस्ड। चलिए ये मैं एक्सप्लेन कर दिया। कभी भी केस ऐसा बनता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वन माइनस का कॉस ए एक्स अपॉन वन माइनस का कॉस बी एक्स, तो आंसर आता है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। लेट मेक एग्जाम्पल, लिमिट x टेंस टू जीरो, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन माइनस का कॉस टू एक्स, लिमिट x टेंस टू जीरो, वन माइनस का कॉस थ्री एक्स अपॉन वन माइनस का कॉस फोर एक्स, लिमिट x टेंस टू जीरो, वन माइनस का कॉस थ्री एक्स अपॉन वन माइनस का कॉस फाइव एक्स। सो सिंपल क्वेश्चन टू अस, वन माइनस कॉस ए एक्स अपॉन वन माइनस कॉस बी एक्स का ये होता है, भूल गए तो बता चुका हूं एक्सपेंशन कैसे लगाना है, और ये आ जाएगा बेटे यहां कितनी आ रही है वन, और इसका सॉल्यूशन किया जाएगा तो कितना आएगा वन अपॉन फोर, इसका किया जाएगा कितना आएगा नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव, इसका किया जाएगा कितना आएगा नाइन अपॉन सिक्सटीन। क्वेश्चन इज ओवर। फॉर्म याद कर लीजिए, वन माइनस का कॉस ए एक्स अपॉन वन माइनस का कॉस बी एक्स कहीं भी आए तो डायरेक्ट आंसर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और एक सबसे पहले मैंने बताई, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वन माइनस का कॉस ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कहीं आए तो सीधा ए स्क्वायर बाई टू। अब एक अप्रोच ये होती है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लाइक कॉस ए एक्स माइनस का कॉस बी एक्स अपॉन यहां पर जैसे एक्स स्क्वायर, कॉस ए एक्स माइनस का कॉस बी एक्स अपॉन यहां पर एक्स स्क्वायर। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं सभी भाइयों को, आप अपना विवेक इस्तेमाल कीजिए और कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है एक बार वो याद करने की कोशिश करो। देखिए भाई, कॉस एक्स का एक्सपेंशन था वन माइनस का एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल टू का मतलब टू ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये कॉस वाई होता तो वन माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन टू, यस और नो? फैक्टोरियल टू का मतलब टू ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहां एक्सप्लेनेशन दे दूं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस ए एक्स के जगह रख सकता था वन माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू, कॉस बी एक्स के जगह पर वन माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू। और अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा और नीचे बनकर के आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर। प्लस वन से माइनस का वन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। रिजल्ट बनकर के आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाई टू। लेट्स मेमोराइज, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस ए एक्स माइनस का कॉस बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ गया बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाई टू। देखिए मेरे पास तीन केस बनकर के आ गए, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पहला केस तो मैं यही समझा दूं जो मुख्य रूप से मैंने अभी अभी निकाला है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस ए एक्स माइनस का कॉस बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाई टू आपके सामने है। इससे पहले मैंने केस निकाला था वन माइनस का कॉस ए एक्स अपॉन वन माइनस का कॉस बी एक्स, और वो जो केस निकल करके आया था क्या आया था बताएंगे आप लोग? हां, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर निकल करके आया। और तीसरा जो मैंने केस निकाल के दिखाया था एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस का कॉस ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, वो निकल के आया था बेटा ए स्क्वायर बाई टू। तीनों केसों को एक बार याद कर लें, एग्जांपल्स में आपको दे देता हूं। कॉस थ्री एक्स माइनस का कॉस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर,
अगर ऐसी फॉर्म कहीं बन करके आती है तो देखो, लिमिट x टेंस टू जीरो cos ax माइनस का cos bx अपॉन x स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन 2, फॉर्मेलिटी आपको याद है। यहां पर कितना आ रहा है बेटा 2, यहां पर कितना आ रहा है 3, b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर 4 माइनस का 9 बटा 2, आंसर आ जाएगा माइनस का 5 बटा 2, b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बाय 2, यहां से बात कर रहा हूं 9 माइनस का 25 अपॉन 2, आंसर आ जाएगा माइनस का 8, यहां से बात कर रहा हूं 25 माइनस का 49 बटा 2, आंसर आ जाएगा माइनस का 12। तीन स्टैंडर्ड केस आपको पकड़ में आए, कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आई। ये केस अगर आपको पकड़ में आ गए हैं तो हम आगे की बात अब आपसे कर सकते हैं। साइन एक्स के जगह पर मैं लिख देता हूं एक्स माइनस का एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस का एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। एक बार इनको याद कर लें ताकि हम क्वेश्चनों का लेवल और बढ़ा सके। सवाल यह है आपके सामने, आपके बोर्ड पर लेट कॉन्सेंट्रेट, फोकस करने की कोशिश करें। क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, यू कैन वॉच। स्टॉप। देखिए इसके दो तीन तरीके हैं, मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं, देखिएगा। सबसे पहली बात, थोड़ा अगर आप दिमाग लगा पाए, बहुत थोड़ा सा, तो देखो यहां पर क्या आ रही है, टेन एक्स। ये मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया है अभी, ओके, सॉल्यूशन किया। यहां आ रही है टेन एक्स। अगर मैं यहां पर कॉस एक्स का मल्टीप्लाई नीचे, कॉस एक्स का मल्टीप्लाई ऊपर कर लूं, तो ये स्टेप भी बन के आ जाएगा मेरा टेन एक्स। अब यहां टेन एक्स हो गया, यहां भी टेन एक्स है, तो अगर मैं इसमें से काम करता हूं, इस टेन एक्स को बाहर लेता हूं कॉमन, तो अंदर बचेगा वन माइनस का कॉस एक्स, और जो एक्स क्यू है उसे स्प्लिट कर दूं एक्स और एक्स स्क्वायर में। अब थोड़े समय पहले मैंने आपको बताया था कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस ए एक्स अपॉन कहीं भी एक्स स्क्वायर आए तो ये बन के आता है ए स्क्वायर बाई टू, और अगर ये ए के जगह पर वन आ जाएगा तो वन बाई टू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको बात दिमाग में आ रही होगी। तो टेन एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा बेटा, वन, और इस स्टेप का अभी अभी बता चुका हूं वन बाई टू, तो आंसर आ जाएगा वन बाई टू, क्वेश्चन इज ओवर। एक तरीका तो यह है सवाल को सॉल्व करने का, टेन एक्स माइनस का साइन एक्स। स्मार्ट ब्रेन की तरह इस सवाल पर एक दूसरा अटैक भी हो सकता है, उसको देखने का प्रयास करिएगा। यह पहले उतार लें आप। चलिए, अगर आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है टेन एक्स का एक्सपेंशन, याद कर लीजिए, तीन स्टेप याद न कर पाए तो दो ही याद कर लीजिए। टेन एक्स बराबर एक्स प्लस का एक्स क्यू अपॉन थ्री, टेन एक्स बराबर एक्स प्लस का एक्स क्यू अपॉन थ्री, और चुपचाप टेन एक्स के जगह पर एक्स प्लस का एक्स क्यू अपॉन थ्री पुट कर दिया। ओनली टू स्टेप्स, बाकी के सॉल्व नहीं करने हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ऑटोमेटिक जीरो हो जाएंगे। अब देखिए साइन एक्स, साइन एक्स के भी केवल दो ही याद कर लीजिए, काफी है। एक्स माइनस का एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल थ्री शब्द का मतलब जानना चाहिए कितना होता है, सिक्स, तो ये मैं रखूंगा यहां पर एक्स माइनस का एक्स क्यू अपॉन सिक्स, माइनस आ रही है आगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स क्यू। क्वेश्चन के अंदर आपको दो स्टेप खोल देने हैं और इसके बाद आप यहां पहुंच चुके होंगे। एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एक्स क्यू एक्स क्यू एक्स क्यू कैंसिल आउट, आंसर आएगा 1 अपॉन 3 प्लस का 1 अपॉन 6, सॉल्यूशन करेंगे तो 1 अपॉन 2, क्वेश्चन इज ओवर। यह भी एक तरीका है सवाल को ब्रेक करने का, कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी नहीं हो सकती। राइट नाउ लेट फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपके सामने, आपके बोर्ड पर लेट कॉन्सेंट्रेट गाइस, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। देखिए देखा जाए तो यह सवाल मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है, मैं काम कर देता हूं, टेन एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन साइन क्यू एक्स। अगर मैं इसमें एक्स क्यू का भाग नीचे और एक्स क्यू का भाग ऊपर दे दूं, तो यह सवाल तो मेरा जस्ट अभी अभी डेवलप हुआ था, जिसका मतलब आया था वन बाई टू, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, वन, क्वेश्चन ओवर, आंसर आ गया। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना पड़ा आपको। सवाल यह है आपके सामने, आपके बोर्ड पर लेट कॉन्सेंट्रेट,
लिमिट x टेंस टू जीरो टेन टू एक्स माइनस का साइन टू एक्स बटा एक्स क्यू, पता है क्या होगा इसके अंदर बेटा? यहां आ रही है साइन टू एक्स और यहां आ रही है टेन टू एक्स। अगर मैं काम करता हूं कॉस टू एक्स का नीचे और कॉस टू एक्स का ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, फायदा ये स्टेप बनकर के आ जाएगा टेन टू एक्स और वो निकल के आ जाएगा बच्चे कॉमन और अंदर बचेगा वन माइनस का कॉस टू एक्स। अब क्योंकि नीचे कितनी आ रही है एक्स क्यू, तो एक एक्स इसको दे दिया और एक्स स्क्वायर इसको दे दिया। आपको पता है कि टेन ए एक्स अपॉन एक्स कितना आता है ए, तो टेन टू एक्स अपॉन एक्स कितना आ जाएगा बेटा टू। अब यहां देखिएगा वन माइनस का कॉस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, वन माइनस कॉस ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आया तो ए स्क्वायर बाई टू आया, यानी कि वर्क करके आधा किया तो टू का स्क्वायर कितना होता है फोर और उसका आधा करूंगा कितना आएगा टू एंड क्वेश्चन इज ओवर, आंसर आ गया चार। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ना तो आपने इसमें एल हॉस्पिटल लगाया ना ही कुछ और किया, सीधा सीधा इंप्लीमेंट किया, इसलिए बेस बहुत जरूरी होता है पढ़ना। अगला सवाल आपके सामने एक बार फिर आपके बोर्ड पर, लेट कॉन्सेंट्रेट। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एट अपॉन एक्स एट वन माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस दिस एंड दिस, सिंपल। देखिए मैं काम कर सकता हूं यहां से वन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई टू, तो आपका ये स्टेप रहेगा। अगर मैं यहां से कॉस एक्स स्क्वायर बाई फोर यहां पर भी है और यहां पर भी है, अगर मैं इसे कॉमन ले लू, ये मल्टीप्लाई का साइन है भाई, कॉमन ले लू तो ये स्टेप बन जाएगा वन माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर बाई फोर। बात समझ में आ रही हो? एट जो आपके पास में आ रहा है एट रहेगा और इसमें से तोड़ दूं एक्स फोर इंटू एक्स फोर। जिन भाइयों को पकड़ में नहीं आया होगा मैं दोबारा बता दूंगा, अरे भाई वन माइनस का एक्स स्क्वायर बाई टू है, यहां वन आ रही है, अगर यहां से और यहां से इसको कॉमन लूंगा माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर बाई फोर कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा वन माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर बाई टू आ गया। अब देखो यहां आता था वन तो यहां आता था टू यानी कि स्क्वायर, तब था आंसर ए स्क्वायर बाई टू, आई मीन एक्स के साथ जो नंबर लिखा था उसका ए स्क्वायर बाई। ध्यान दीजिएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस का कॉस ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आया तो ये आंसर था बेटा ए स्क्वायर बाई टू, आई मीन एक्स के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर करके हाफ कर दिया। अब यहां देखिए यहां कितना आ रहा है टू तो यहां आ रहा है फोर, मामला फिट। यहां वन तो टू, यहां टू तो फोर, यहां टू तो फोर, मैटर ओके है। एक्स के साथ जो नंबर आ रहा है जैसे ए तो ए स्क्वायर बाई टू। अब यहां देखिएगा तो वन बाई टू का स्क्वायर कर दिया कितना आएगा वन बाई फोर और उसका आधा, वर्ग करके उसका आधा करते थे तो इसका वर्ग कितना किया वन बाई फोर, आधा किया वन बाई टू इंटू वन अपॉन फोर का स्क्वायर करेंगे वन अपॉन सिक्सटीन, आधा करेंगे वन बाई टू और इस तरीके से आठ कट जाएगा, आंसर आएगा वन बाई थर्टी टू। प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ध्यान दें भाई। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस का कॉस ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आया तो कितना आया था बेटा ए स्क्वायर बाई टू, एक्स के साथ जो नंबर आया था उसका वर्ग करके आधा कर दिया एंड क्वेश्चन खत्म। सवाल यह है आपके सामने आपके बोर्ड पर, लेट फोकस। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स स्क्वायर वन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स एक्स, घबराने वाली बात नहीं है। पहले यहां देखिएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस का कॉस ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर तो ए स्क्वायर बाई टू, यानी कि यहां वन पावर तो यहां टू पावर, तो यहां टू पावर आ रही है तो इसे कितना चाहिए फोर पावर चाहिए, तो हम लोग ब्रेक कर दें एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स फोर। आपको पता है यहां नंबर सेम है तो ये कितना हो जाएगा वन
और आपको मैथमेटिकली पता है x के साथ में a था तो a स्क्वायर बाई टू, अब x स्क्वायर के साथ में अगर 1 है तो 1 बाई टू एंड क्वेश्चन इज ओवर, आंसर आ गया बेटा 1 बाई टू। आज की क्लास के अंदर जो मैंने कंसेप्ट कराया है वो cos x बेस्ड, sin x बेस्ड, tan x बेस्ड और एक्सपेंशन बेस्ड, इसके अंदर एक लेक्चर में आपको और दूंगा और हमारा लिमिट हो जाएगा खत्म। अगली क्लास के अंदर आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे, तुम आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको अगले वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा। राहुल क्लासेस जब चैनल आप खोलते हैं तो उसके अंदर प्लेलिस्ट खोलिएगा, प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग वीडियोस को नाम दे रखे हैं और जहां जिस टॉपिक को आपको वीडियो देखना है उसका वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट।